आर्चरी में भारत ने इस बार चाहे बात ओलंपिक की हो या पैरा ओलंपिक की हो, दोनों जगह ही अपना दमखम दिखाया है, लेकिन पैरा ओलंपिक में इस बार भारतीय कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा रही है, और या मैं ये कहूँ इतना हमने सोचा भी नहीं था। इस वक्त आर्चरी के खिलाड़ी राकेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, भारत के लिए आप लोग मेडल लेकर आते हैं तो हर भारतीय बहुत गर्व महसूस करता है। जय माता दी। जी मैडम, हमें भी काफ़ी खुशी है कि भारत के 140 करोड़ लोग हमारे लिए दुआ करते हैं और उन दुआओं का असर हमारी परफॉर्मेंस में दिखता है और हमारे गले में जो मेडल आता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है और मुझे लगता है कि बधाई का संदेश तो अब तक आप लोगों के लिए आ ही गया होगा। प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कुछ खास सोचा है कि कुछ बताना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आप इससे पहले भी कई गेम्स में भारत के लिए मेडल ला चुके हैं। जी मैडम, प्रधानमंत्री जी जी से मेडल के दूसरे ही दिन हमारी बात हो गई थी, उन्होंने हमें बधाई दे दी थी और आज मिलके मैं बस इस मेडल की खुशी ही मनाऊंगा। और इस ये मेडल जीतते समय जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, हम दोनों का मिक्स टीम में मेडल है हमारा, तो हम दोनों का जो एक्सपीरियंस रहा वो हम शेयर करेंगे। ज़्यादा कुछ इशू डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये खुशी का मौका है, तो सिर्फ खुशी की बातें ही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि जब हम बात करते हैं आर्चरी की, तीरंदाजी, यानी आपका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ होना चाहिए, किस तरह से आपकी तैयारी थी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का गेम है और इसमें तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मैडम, यहाँ तक बात है कंसंट्रेशन की, तो हमारे कोचिस हमारे ऊपर इसी तरह से मेहनत करते आए हैं स्टार्टिंग से ही, श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी और अभिलाषा चौधरी जी, और हम शुरू से ही एक आधा घंटा मेडिटेशन, इमेजिनरी ट्रेनिंग, बैली ब्रीदिंग, ये सब करते आए हैं ताकि जब हम पोडियम पे खेलें तो हमारी हार्ट बीट तेज़ ना हो और हम एकदम सामान्य रह के अपना खेल वहाँ पे खेल पाएँ, और शायद मैं वैसा कर पाया हूँ। अच्छा सर, एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कब सोचा कि आपको आर्चरी करनी है या इसमें आपका इंटरेस्ट है? जैसे हर खिलाड़ी का एक दिन होता है जिस दिन वो ये तय करते हैं मुझे ये खेलना है, मुझे ये करना है। जी मैडम, 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं पैरालाइज हो गया था, और 2009 से लेके 2017 तक मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन 2017 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आर्चरी स्टार्ट हुई थी और मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे आर्चरी के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया, और बस 2017 से मैं आर्चरी में हूँ और तब से खेल रहा हूँ अपने कोचिज़ के आशीर्वाद से और देश के लिए मेडल ला रहा हूँ। अच्छा, 2017 से 24 की मैं अगर बात करूँ तो बहुत लंबा सफ़र तो नहीं है, लेकिन इस सफ़र में ही आपने भारत को कई मेडल दे दिए हैं, तो हर खिलाड़ी अपनी जीत का श्रेय किसी ना किसी को तो देता है, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं? देखिए मैडम, मैं अपनी जीत का श्रेय अपनी फैमिली, अपने माता पिता, भाई बहन और अपने कोचिस श्री कुलदीप कुमार वेदवान, अभिलाषा चौधरी जी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हो गया, पेरिस ओलंपिक हो गया, रियो हो गया, और अब मुझे लगता है अगला ओलंपिक आएगा, तब तक क्या तैयारी है, क्या आने वाला है अगले ओलंपिक में? मैं अभी से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उम्मीदें अब बहुत बढ़ गई हैं। मैडम, यहाँ तक मैं खुद की बात करूँ तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ मेरा फोकस रहता है कि आने वाले जो भी मेरे कंपटीशन हैं मैं उन पर फोकस करूं, और पैरालंपिक जो 2028 में होगा वो अभी काफ़ी आगे है, उससे पहले अभी 2025 में हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी, वो एशियन चैम्पियनशिप होगी, काफ़ी सारे और टूर्नामेंट होंगे, 2026 के एशियन गेम पे सबसे पहले फोकस रहेगा, तो उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पेरिस ओलंपिक 2028 ओलंपिक के बारे में भी सोचेंगे। यानी अभी हमें मेडल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, चाहे 25 की बात हो, 26 की बात हो, हर साल हमें आप मेडल दे रहे हैं। जी, सोचा तो यही है क्योंकि मैं अपने कोचिज़ के आशीर्वाद से जो उन्होंने सिखाया है बस उस पर फोकस करूँगा और वही प्रोसेस पोडियम पे इस्तेमाल करूँगा, आज तक वही करता आया हूँ। अभी तक मैं 2017 से लेकर अब तक अपने देश को 17 मेडल दे चुका हूँ, ये मेरा 17वां मेडल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे ऐसे ही खेलता रहूँ। साल 2017 से शुरुआत हुई थी और अब तक 17 मेडल भारत के नाम है, और यही पैरा ओलंपिक को और खास बना देता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ नीतू झा, आज तक दिल्ली।